चलिए गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन. नाउ आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. हम देखेंगे कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन में कहाँ पे होते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, वी हैव इन आर बुक्स और वी कैन डिस्कस एनी डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन. लेट अस टेक एग्जाम्पल अंडर रूट 9.3. ये जो अंडर रूट 9.3 है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. सो अंडर रूट 9.3 में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लाइन सेगमेंट AB. ठीक है, AB बना लेनी है हमने, दैट इज 9.3 सेंटीमीटर. ओके, वी विल ड्रॉ AB. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ AB, 9.3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली. उसके बाद वी विल एड 1 यूनिट, मीन्स 1 सेंटीमीटर, लेट इट बी 17 सेंटीमीटर्स. तो 1 सेंटीमीटर और एड करेंगे, मीन्स दिस होल AC, वी मार्क इट एज अ सी, हम सी पॉइंट इसको नाम दे देंगे. तो दिस AC इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर्स नाउ. तो अब नाउ वी गेट अ लाइन सेगमेंट AC. ओके, मतलब पहले 9.3 सेंटीमीटर हमने बना लेनी है एग्जैक्ट, जो हमें वैल्यू हमें जो हमने शो करनी है, एंड उसमें 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट हमने एड करना है. एंड देन वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर, वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस AC. मतलब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है AC का. ठीक है, अब 10.3 का मिड पॉइंट यू कैन फाइंड इट बाय 10.3 डिवाइडेड बाय 2 करके फाइंड कर सकते हो. अगर यू कांट फाइंड इट लाइक दिस, तो वी जनरली क्या करते हैं, हम किसी भी लाइन सेगमेंट को हमने बाइसेक्ट करना होता है तो वी ड्रॉ डू इट बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, तो हम कंपास यहां पे रखते हैं एट अ सी पॉइंट. कंपास को वी आधे से ज्यादा खोलते हैं, है ना, तो वी मार्क अ लाइन सेगमेंट, है ना, आर्क बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं एक इधर बना लेते हैं सेम, और उसी कंपास को खोल के ए पॉइंट पे, है ना, सेम और विल मार्क आर्क दिस साइड ऑल्सो, तो एंड अप एंड डाउन एंड विल ज्वाइन दिस लाइन. तो ये इस लाइन को हाफ डिवाइड कर देती है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो अब ये हाफ डिवाइड हो गया, मीन्स दिस इज द हाफ ऑफ AC, विल मार्क इट एज अ O. ठीक है, अब O जो है दिस इज द सेंटर ऑफ AC, पूरी AC का ये हाफ हो गया. अब क्या करना है, टेकिंग रेडियस, हमने रेडियस OC या OA लेकर बाय कंपास, कंपास को O पे रखना है, यानी कंपास को विल टेक रेडियस एज OA खोल के विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल. हम यहां से लेके यहां तक ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. क्लियर, अब सेमी सर्कल बनेगा क्योंकि जो रेडियस है वो हमने हाफ लिया हुआ है OA या OC, बिकॉज दिस इज द हाफ ऑफ OA, ये जो सेंटर है इसका AC का है. अब वी हैव मेड दिस सेमी सर्कल, अब ये सेमी सर्कल बन गया. नाउ फ्रॉम द पॉइंट बी से क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, हम परपेंडिकुलर बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर. ठीक है, इसे ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर से फ्रॉम द पॉइंट बी. अब ये जो पॉइंट जो बी है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3. मार्क इट एज अ पॉइंट डी, यहाँ पे डी लिख दो इस पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी. ओके, ये जो परपेंडिकुलर है इट कट्स दिस सेमी सर्कल एट पॉइंट डी, तो ये जो डी पे इसको कट करेगा, एंड इफ यू मेजर दिस लाइन दिस विल बिकम अंडर रूट 9.3. अब आप कहोगे कि मैम कैसे, सो डियर चिल्ड्रन, तो व्हेन वी ड्रॉ दिस, ठीक है, हमने सेमी सर्कल बना लिया, एंड अब आप फाइंड आउट करोगे कि दिस इज अंडर रूट, हाउ दिस इज अंडर रूट 9.3, कि ये जो डी भी आया है ये अंडर 9.3 कैसे आया है. देखो दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आया हमारा, दिस इज हाफ ऑफ 10.3, है ना, क्योंकि ये दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज रेडियस, तो रेडियस हाफ ऑफ 10.3 हो गया 5.15, और ये हमारी बेस है. ठीक है, बेस है, यहां से देखो ये हाफ है 10.15, तो ये 1 सेंटीमीटर माइनस किया, ये हाफ ऑफ 10.3 इज 5.15. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर निकाल दो 4.15, मींस बेस आ गया हमारा 4.15. तो अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये आप करके देखो 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर. ठीक है, तो ये स्क्वायर बन के फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो यू विल फाइंड कि इन दोनों को प्लस किया 5.15 प्लस 4.15, जब आप प्लस करोगे ये बन गया 9.3, है ना, और इसका इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 9.3 × 1 = 9.3, मींस परपेंडिकुलर जो बन गया हमारा दैट इज अंडर रूट 9.3. तो ये हमारा जो डीबी है इट हैज कम 9.3. अब ये हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज 9.3. अब आप क्या करोगे, यू विल ओपन अ कंपास, है ना, टेक अ डिस्टेंस ऑफ बीडी, बीडी डिस्टेंस लेके
तुम पास खोलोगे एंड यू विल ड्रॉ अ आर्क। अब आप आर्क देखोगे कि ये आगे कहां तक जा रही है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको, लाइन को। ओके, मैं अब यहां से फिर से इसको इरेज कर देती हूँ। एंड हाँ, तो आप यहां पे देखोगे कि यहां से लेके यहां तक यू विल मार्क। अब इस पॉइंट को आपने ई पॉइंट दे दो, तो ये यहां पे एग्जिस्ट करती है अंडर रूट 9.3, ओके, ऑन अ लाइन। क्लियर? तो अब मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ए बी लाइन ली 9.3 सेंटीमीटर, जितना भी हमें कहा होता है, जो भी हमने पॉइंट डेसिमल्स में फाइंड करना होता है। उसके बाद वन यूनिट हमने एक एक्सटेंड कर देना है, वो ये बन गया 10.3, मींस ए से लेके सी तक हमारा बन गया 10.3। फिर हमने हाफ ऑफ ए सी निकालना है, 10.3 का हाफ निकालेंगे, दैट इज 5.15, या फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके भी फाइंड कर सकते हो। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हाफ निकाल लिया एंड इसको पॉइंट को नाम दे दिया ओ, ठीक है, दिस इज द सेंटर। अब सेंटर ओ से लेके हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेमी सर्कल विल कट, मीन्स जस्ट गो थ्रू द पॉइंट सी, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन गया। एंड नाउ फ्रॉम द पॉइंट बी से लेके वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इट विल कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। तो ये जो दिस बी डी इज अ अंडर रूट 9.3 मेजरमेंट, वो मैंने आपको बता दिया है कि वी हैव फाइंड आउट बाय दिस, ठीक है, वी हैव प्रूव दैट दिस इज अंडर रूट 9.3। फिर उसके बाद हमने कंपास खोलनी है, फ्रॉम द पॉइंट बी डी डिस्टेंस ले लेना है, विल मार्क कंपास बी से लेके डी तक खोल के कंपास से विल मार्क इट कि ये आगे कहां जाता है, एंड मार्क इट एज ए अंडर ई पॉइंट एंड नेम इट अंडर रूट 9.3, ठीक है सर। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट एनी डेसिमल डेसिमल इरेशनल नंबर ऑफ द नंबर। सो दिस इज द वे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप ऑल यू लाइक इट एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।